रामपुर से सपा सांसद आजम खां, पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को आज रामपुर की एडीजे 6 की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस सीतापुर जेल से इन तीनों को लेकर रामपुर आई। आजम खां अपनी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ पेशी के लिए दोपहर रामपुर पहुंचे। आजम ने बकरी और भैंस चोरी समेत 47 मामलों में सरेंडर का एप्लीकेशन दायर किया था, जिन पर एडीजे 6 की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट होने के आरोप में दर्ज मुकदमों की भी सुनवाई की गई। इस मामले में आजम खान ने आज जमानत याचिका दायर की, जिसके लिए अदालत ने 16 और 17 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। इसके साथ ही जेल बदलने पर भी सुनवाई हुई, लेकिन अब 17 मार्च तक आजम खान को सीतापुर जेल में ही रहना पड़ेगा। किसानों की जमीन कब्जाने के मामले में भी आजम ने आत्मसमर्पण का प्रार्थना पत्र दिया। आलियागंज के किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप में आजम पर 26 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं अब्दुल्ला आजम खान, तजीन फातिमा वाले मामले में फिलहाल अभी 3 मार्च की तारीख लगी हुई है। डीजे 6 की अदालत में आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, तीनों लोग आज कोर्ट में आए थे सीतापुर जेल से। आज लगभग 47 केसेस में उनने सरेंडर किया है और इसमें आज जन्म प्रमाण पत्र और पैन कार्ड और पासपोर्ट, आज इसकी भी डेट्स लगी थी, तो आज इसमें जमानत पर बहस नहीं हो पाई है। इसके लिए 16 तारीख और 17 तारीख अदालत ने नियत कर दी है। पासपोर्ट वाले मामले में 16 तारीख लगाई है और पैन कार्ड मामले में 17 तारीख। जो 47 मामलों में सरेंडर किया है वो क्या मामले थे? ये अजीमनगर थाने के थे, कोई आचार संहिता से रिलेटेड था, कोई कब्जा करने से रिलेटेड था, जो इनके वो जो 85 जो केसेस है उन्हीं में ये वो केसेस। अब कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? कोर्ट ने आज निर्णय किया, सब में सरेंडर हो गए हैं और अब बेल के लिए उन्होंने डेट्स नियत कर दी हैं। 16 तारीख से लेकर रेगुलर डेट की बेल्स हैं, लगभग 20-22 तारीख तक केसेस हैं। आज कितनी बेल्स हुई? आज बेल मेरे हिसाब से शायद 2 केसों में बेल मिली है उन्हें, जो कि बेलेबल ऑफेंस थे उन्हीं में ही केस मिली है। पेशी के लिए सीतापुर जेल से निकलते वक्त सांसद आजम खान ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आजम ने कहा कि जेल के भीतर उनके साथ आतंकवादी जैसा सलूक किया जा रहा है। आजम खान को भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रामपुर लाया गया। आजम खान की पेशी के चलते रामपुर की जिला अदालत के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए डॉग स्क्वाड द्वारा भी चेकिंग की गई। उनकी पत्नी जो यहाँ की विधायक है वो भी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उनकी भी पेशी है और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की पेशी है। क्योंकि ये न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं, इस नाते माननीय न्यायालय के जो आदेश होते हैं उसके अनुरूप उनकी यहाँ पेशी सकुशल हो और वापस जाएं, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चूँकि वह स्वयं भी प्रोटेक्टी हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, इसको देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। दूसरे उनके समर्थक, अब चूँकि वो न्यायिक अभिरक्षा में हैं, इसी के साथ साथ आप सभी मीडिया के साथी भी हैं, उनके लिए भी है कि चूँकि न्यायिक अभिरक्षा में हैं, बिना न्यायालय से जो लोग उनके मुकदमों की विवेचना कर रहे हैं वो भी बिना न्यायालय से अनुमति लिए उनसे बातचीत नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो कानूनी बंध हैं उनका पालन हो, इसके लिए व्यवस्था। वहीं रामपुर के एडीजे 6 की कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खां की बहू ने सीतापुर जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत तकलीफ के साथ लेके आए हैं। सुबह हम लोग 4:30 बजे से उनका वेट कर रहे थे सीतापुर में, जो 8:45 बजे उनको निकाला है। यहाँ तक कि उनके लिए प्रॉपर गाड़ी का भी इंतजाम नहीं था। जैसे कि मैंने कल भी बताया था वालदा की काफ़ी कमर में तकलीफ रहती है, उसके हिसाब से उनको जो एक प्रॉपर पुलिस वैन होती है ब्लू कलर की, मुझे नहीं पता क्या होती है, उसमें भेजा जा रहा था। और रास्ते में भी मुलाकात करने के लिए रुके थे वो लोग, स्टॉप रुके थे स्टॉपेज पे, लेकिन हमें नहीं मिलने दिया, उनकी पोती तक से नहीं मिलने दिया। बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्या वजह है सख्ती? क्या वजह हो सकती है जो उन्होंने रामपुर के लिए किया? क्या हो सकती है? जो जिन सड़कों पे लोग जा रहे हैं खुशी से डबल रोड पे, यही सख्ती हो सकती है? तालीम के लिए उन्होंने जो किया, यूनिवर्सिटी स्कूल्स, और क्या होगा? अच्छा, आपने वहाँ पर मुलाकात की थी जेल के अंदर, तो क्या खाना खाया था? क्या क्या नहीं खाना नहीं खाया था, लेकिन वालदा ने जैसे बताया था कि रात भर नहीं सोई पाई, मच्छर बहुत थे। और लास्ट ईयर ही उनका ऑपरेशन हुआ है बैकबोन का,
डायबिटिक हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ये है। तो अब क्या लगता है आपको कि यहाँ सीतापुरी लेके जाएंगे या रामपुर रखेंगे? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, जो कोर्ट का फैसला होगा अभी नहीं पता क्या होगा। रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार ने बताया कि आजम पर रामपुर में कुल 84 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि तजीन फातिमा पर 4 मुकदमे और अब्दुल्ला आजम पर कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान पे कुल पहले के 20 मुकदमे और बाद के 64 मुकदमे मिलाकर टोटल 84 मुकदमे हैं, और इनमें सारे इसमें से आज 47 मुकदमों पे उनकी सुनवाई है, आज उनकी पेशी होने वाली है। इसके दृष्टिगत सुरक्षा हमने प्रॉपर सुरक्षा की है, और ख़ास तौर से उनकी खुद की सुरक्षा के लिए, और यहाँ पे किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित करने के निर्देश दिए गए हैं जो बिना काम कार्य के आवे। कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, उनसे किसी का इंटरेक्शन न करने के लिए भी निर्देशित किया गया है, जो कि हमें इनपुट्स मिले हैं उसके हिसाब से। क्या बाहर से कुछ नेताओं के आने की उम्मीद है समाजवादी पार्टी के आज? मैं बल्कि ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान ना आने की कोशिश करे, क्योंकि इससे सुरक्षा पे खतरा ही होगा और प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है। हम फिर से रिपीट करेंगे कि कोई किसी भी व्यक्ति का इंटरेक्शन नहीं करने देंगे, ये निर्देश दिया जा चुका है। तो बेहतर होगा कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान कचहरी में उनकी पेशी के दौरान ऐसी कोशिश ना करे। अगर किसी को मुलाकात उनसे करनी है तो उसके लिए जेल में जेल मैनुअल के अनुसार जेल में जाके और उसमें अपनी रिक्वेस्ट करके वो कर सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।